दोस्तों, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो कुछ सेकंड के लिए रुकिए। जी हाँ, अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करिए, उसके बाद MBBS करने का प्लान करिएगा। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने है। आप सभी को पता है कि इस समय देश में बहुत से स्टेट ये अनाउंस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो MBBS की स्टडी होगी वो हिंदी में होगी। पहला राज्य था मध्य प्रदेश, उसके बाद अभी जो सेकंड राज्य आया है वह है उत्तराखंड। यहाँ के एक हफ्ते पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि MBBS को अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड में। जब से ये बातें निकल के आई हैं कि अलग अलग स्टेट में MBBS हिंदी में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद से लगातार इस पूरे मैटर पर बहुत सी चर्चाएँ हो रही हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो मेडिकल काउंसिल के जो है हेड हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने MBBS इन हिंदी का विरोध किया है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अनाउंस किया था कि वहाँ पर जो गांधी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर MBBS की हिंदी की पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। उन्होंने भी बताया था कि जो भी बुक्स अभी तक MBBS की इंग्लिश में होती थी उन सभी को हिंदी में डब किया जाएगा और उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा। बच्चों को क्लिपिंग के माध्यम से, ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से और हिंदी के जो नोट्स के माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराई जाएगी। ये कहना था शिवराज सरकार का मध्य प्रदेश में। उसके बाद से अलग अलग स्टेट्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया था, लेकिन अब जो है हर स्टेट के जो मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। उनका ये मानना है कि अगर MBBS हिंदी में होगी तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत बुरे होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मतलब जो हिंदी मीडियम से है अगर वो करना चाहता है तो वो BMS कर ले, क्योंकि BMS इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, हिंदी को फॉलो करता है। जबकि जो एलोपैथ है, जो MBBS है, वो फॉरेन कल्चर से लिया गया है, जो मैक्सिमम बुक्स हैं वो इंग्लिश में है, इसीलिए MBBS जो है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। अब पूरे मैटर पे जो है अगर हम बात करें दोस्तों NMC की, तो NMC ने ऑलरेडी MBBS इन हिंदी को डिनाई कर रखा है। उसने क्लियरली एक नोटिस बताया था कि अगर कोई बच्चा MBBS इन हिंदी करता है तो उसका जो है MBBS वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब जो है सरकार और NMC के बीच में बच्चे फंस गए हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए NMC सरकार तो आती जाती रहती है लेकिन NMC परमानेंट है, और अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग कर लें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी भी आप हिंदी को प्रायोरिटी कम ही दें, क्योंकि अगर मान लिया आपने किसी, आप मध्य प्रदेश गए, आपने गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर भी लिया तो उसको NMC अप्रूव नहीं करेगा, फिर आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद आप सभी को पता है कि तारीख पे तारीख मिलती है, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस पूरे ओपिनियन पे आपका क्या मतलब मानना है आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। क्या MBBS इन हिंदी होना चाहिए? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।